मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। सोचूं जब भी तुझसे, अब तो मुझसे मोहब्बत कहो या दीवानगी। तो तुम चाहते क्या? बहुत सवाल करती हो तुम, लगता है तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। इश्क बेला Every Thursday from 21st October. इतनी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है कि कोई पिस्तौल लेकर आएगा और हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीन लेगा। ऐसा कहीं नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि तुम कोई काम बोलो और मैं ना करूं। उस लड़की का पता लगा लिया है मैंने। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए तो आया हूं मैं। कहां हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल सामने। आउच! क्या हुआ? हाथ काट दिया? डॉक्टर साहब, मेरे भाई कैसा है? आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं सके। करो ना, बैठे बैठा ये मुश्किल गले पड़ गए। सब कुछ ना
सलीजे की वजह से हुआ। बिठा लीजिए का क्या कसूर है? सारा कसूर उसी का, उसी की वजह से बात नहीं आगे बढ़ी है। मुको क्या कह सकते हैं, ये परेशानी हमारी किस्मत में लिखी हुई थी। बस करें पप्पो, हर वक्त उसकी हिमायत करती रहती है, आपने इतनी छोड़ दे रखी है उसे। मुझे पता है अम्मी, उस लड़के को भी ना उसी ने वहां बुलाया होगा। शेरीना ये तुम क्या कह रही हो, अलीजे ऐसी नहीं है। अच्छा वो देखो होर पर ही है ना शेरीना। एक लड़का उसने पहली दफा देखा ऐसा पैदा हुआ कि मरने मारने पर तुल गया। मुझे नहीं होता उसकी किसी बात पर यकीन, हर वक्त घूमती रहती है सहेलियों के साथ, पता नहीं कौन कौन से लौंडे पीछे लगाए होंगे उसने। बस कर दो शेरीना, सोच समझ के बात कर, क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम। अभी भी अपनी बेटी की फिक्र है, मेरी परेशानियां किसी को नजर नहीं आती है। हाँ तो तुम परेशान अकेली नहीं हो, या हम सब परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहे। शेरीना आइंदा मेरी बच्ची के बारे में ऐसी बात मत कर। कहूंगी मैं, बिल्कुल कहूंगी, क्योंकि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, वही फसाद की जड़ है। वो लड़का भी उसी की वजह से मरा और मेरा राहिल आपको बता रही हूँ, राहिल को कुछ हुआ ना मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। शेरीना बेटा, अरे आ जाओ ना शगुफ्ता, अरे आ भी जाओ बाबा। जी जी आ गई। क्या हुआ? अरे आपने तो अपनी चाय भी नहीं पी। मैं तकरीबन खत्म कर चुका हूँ, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही। अरे अच्छा ये बताएं कि आपने शामिर को बाहर कहीं काम से भेजा है? नहीं वो तो आज ऑफिस ही नहीं आया। उसे कमाल है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। बिजी होगा कहीं, आ जाएगा अभी। आ जाना चाहिए था, दोनों इतनी देर हो गई अब तक घर नहीं पहुंचे। तुम खामखा परेशान हो जाती हो, आ जाते हैं दोनों। ये लो। आपको पता है तबरेज भी बहुत परेशानी में घर से बाहर गया था। तो तबरेज के नंबर पर फोन कर लेना था ना। अरे हाँ यही सोच रही थी मैं। करता हूँ चलो, तुम चाय पियो मैं कर। हाँ हाँ आप फोन में लाए। खैर ये एम्बुलेंस हमारे घर क्यों आई है? जरूरी थोड़ा ही है कि हमारे घर ही आई हो। अरे देखता हूँ। एम्बुलेंस क्यों आई? तुमसे पूछ रहा हूं तबरेज, एम्बुलेंस क्यों आई है? शामिर क्या हुआ? शामिर को तबरेज बोलो, क्या हुआ शामिर को? बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ तेरे बच्चे को? ऐसे पूछे ना, क्या हुआ शामिर को? शामिर नहीं रहा। बकवास की है तुमने? ताई अम्मी, ताई अम्मी क्या हुआ है? ये सब क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? ये शामिर कैसे हो सकते हैं? तबरेज तुम्हारे साथ था ना? कहाँ है शामिर बताओ, कहाँ है? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कहाँ है? कोई ये नहीं है, बताओ ताया बुको कि ये शामिर कैसे हो सकता है? देखो देखो शामिर नहीं हो सकता ना, तुम्हारे साथ था। प्लीज संभालो खुद को। इसको कैसे हो सकता है? उसे ये हटाओ, वो नहीं हो सकता है। कैसे हुई है? मैं इसको पता है, इंतजार करूँ इसका। नहीं हो सकता है, प्लीज Thank you.
किसने किया है? अबू मैंने कत्ल किया, आप जानते हैं ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे बच्चे मैं परेशान मत हो, मैं हूं ना। तुम बिल्कुल परेशान, अच्छा मैं बात करता हूँ। परेशानी हो ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। अबू भाई हम साथ लेकर जाएंगे ना भाई को। भाई माँ चलो बेटा चलो बात करते हैं। आप तो कानून को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अमर साहब, कोई भी मुजरिम इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। लेकिन सर भाईजान ने सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की, सेल्फ डिफेंस, उसी में गोली चल गई। हाँ ये सब तो पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जमानत तो हो सकती है ना? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अदालत का वक्त खत्म हो चुका है और शाम हो रही है। लेकिन सर कोई तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इसमें। ये कत्ल का केस है अमर साहब, ऐसे में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। वैसे भी हमारा काम तो सिर्फ मुजरिम को पकड़ना है, बाकी फैसला करना तो अदालत का काम है। लेकिन सर भाईजान मुजरिम नहीं है, बेकसूर है, उनके हाथ में कोई गन नहीं थी वहां पर। प्लीज सर कुछ तो करें आप इसमें। आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो आलिया शरीना की बातों का बुरा मत मनाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसने इस तरह की बातें कर दी होंगी। भाभी परेशान हम सब हैं, मैं माँ हूँ उसकी, मेरा दिल कट रहा है कि पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी बच्ची पर उंगली उठाए। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं उसको समझा दूंगी ना। रफीक आप लोग आ गए, मेरी बच्ची अलीजे। राहिल राहिल रफीक राहिल कहाँ है? आप तो उसे लेने गए थे, राहिल नहीं नजर आ रहा मुझे। आप तो राहिल को लेने गए थे, राहिल कहाँ है? मेरा अहमद राहिल को लेने गए थे, तुम कहाँ है मेरा राहिल? राहिल मेरे पप्पू संभालें अपने आप को, फिलहाल जमानत मुमकिन नहीं है। क्या मतलब जमानत मुमकिन नहीं है? हमने कहा था ना तुम राहिल को घर लेकर आओगे। कल हम लोग कोर्ट जाएंगे वकील साहब के साथ, हो सकता है जमानत हो जाए भाईजान की। क्या मतलब कल? क्या मेरा बच्चा कल भी नहीं आएगा? पप्पू एक कत्ल का मुकदमा है, जमानतें इतनी आराम से नहीं होती इसमें। या अल्लाह किस इम्तिहान में डाल दिया है मेरे अल्लाह। अब भी किस्मत का कसूरवार ठहरा रही है पप्पू, इस लड़की की वजह से आज आपका बेटा कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है, आप अभी भी किस्मत को दुहाइयां दे रही हैं। शहरीना बस कर दो, बस कर दो इल्जाम लगाना। हम राहिल की वजह से पहले बहुत परेशान है, और परेशान मत करो हमें। शुरुआत हमें आगे क्या होगा? अहमद अगर राहिल की जमानत भी नहीं हुई तो उन्हें उन्हें सजा हो गई तो? आप ही कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, अगर मेरे राहिल को कुछ भी हुआ ना ये जिम्मेदार होगी। ये सब कुछ इसकी वजह से, राहिल खुद तो कत्ल नहीं करने गए थे। आप ही संभाले। तुम यहाँ खड़ी भी कैसे हो? तुम मेरे से नजरें भी कैसे मिला सकती हो? क्या हो गया तुम लोग, सब मुझे क्यों रोक रहे हो? कोई ये क्यों नहीं देखता कि सब कुछ इसकी वजह से? बस कर दो शहरीना, बस कर दो, बस करो। मालूम है कुछ मालूम सब करो। ओह मेरा बच्चा, कैसे समझ आएगा मुझे? नहीं समझ आ रहा अल्लाह मैं क्या करूं। ओह मेरा शामिल चला गया, मेरा शामिल चला गया। अपने आप मेरा
बाहर बच्चा चला गया, अल्लाह मैं क्या करूं? मैं कैसे सबर करूं? अल्लाह मत करो। मेरा तुमसे वादा है शामिल, जब तक तुम्हारे खून का बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। चैन से नहीं परेशान मत हो यार। देखो देखो मेरी तरफ, अल्लाह ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा, और कल जो बातें तुमसे आप ही ने की उनका प्लीज माइंड मत करना। तुम तो जानती हो कि इस वक्त उनकी हालत कैसी हो गई है, और इंशाल्लाह तुम देखना बाहर पे बाहर आ जाएंगे। तुम जा रहे हो, कब तक हो यहाँ पर? तुम तो जानती हो कि मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो इस वक्त छुट्टी मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुमसे रابطے में रहूंगा, और देखना राहिल भाई बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है, यकीन नहीं आ रहा कि शामिर यूं अचानक से मैं छोड़कर चला गया। जिंदगी इसी का नाम है, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक आई एम स्टिल इन शॉक। समझ नहीं आ रहा कि मैं अम्मी और बाबा को कैसे संभालूं, कैसे उन्हें इस दुख से निकालूं। तबरेज तुम्हें हिम्मत करनी होगी, अब तुम ही उनका आसरा हो। हिम्मत हिम्मत ही तो नहीं कर पा रहा मैं यार। रानिया की हालत देखिए तुमने, बदकिस्मती देखो मेरी, मैं उसे मिलकर उसे एक झूठी तसल्ली तक नहीं दे सकता, दिलासा तक नहीं दे सकता मैं उसे। सब कुछ एक लम्हे में छिन के अब से यार सब बर्बाद हो गया। कोई किसी को कैसे मार सकता है? मेरा दिल करता है एक बार मुझे शामिर का कातिल मिल जाए, मैं उससे पूछूं कि आखिर मेरे भाई ने उसका बिगाड़ा क्या था। तबरेज तुम्हें पता है वो कौन है?
बाबर पापा को रकबर को पता है। तबरेज वो अलीजे का भाई है। ये कोई इत्तफाक नहीं है अकबर, उसने पूरी प्लानिंग के साथ शामीर को मारा है। मेरा भी यही ख्याल है कि उसने बदला लिया है शामीर को मारकर। बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए इसे। आप फिक्र ना करें, ऐसा केस बना रहा हूँ सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। जेल नहीं अकबर, जेल में नहीं चाहिए मुझे। मेरे बेटे की जान ली है उसने, मैंने अपना जवान बेटा अपने हाथों से कब्र में उतारा। मुझे चैन उस वक्त मिलेगा जब मैं इसके बेटे को फांसी चढ़ते देखूंगा। आप परेशान ना हो, सारे गवाह और सबूत हमारे हक में हैं, बच नहीं सकता वो। पहले उसने मुझे माली नुकसान पहुंचाया और फिर मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे लगता है इस सारे फसाद की वजह वो लड़की है जिसका नाम अलीजे है। नाम उछालो उस लड़की का, बदनाम करो उसे अकबर, इतना बदनाम करो कि ना ये खुद घर से निकल सके और ना इसके घर वाले। इसे भी पता चले औलाद का दुख क्या होता है। अहमद तुम आ गए? बेटा कैसी है वो? बहुत परेशान है। परेशान तो होगी, आजमाइश जो इतनी बड़ी है। राहिल की जमानत का क्या बना? वकील से मेरी मुलाकात तो हुई थी, केस भी काफी स्ट्रांग बना है। लेकिन अम्मी एक बात है, आप प्लीज जरा समझाएं आप ही को, कोसी रहती है अनीजे को, पुप्पो भी इसी वजह से परेशान रहती है हमेशा। तो इसमें गलत क्या है? ये सब कुछ उसी की वजह से तो हुआ है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अलीजे क्यों इस पे कसूरवार होगी? मेरी भाईजान से बात हुई थी, सब बताया मुझे कि वो लड़का तंग कर रहा था अलीजे को। अहमद मैंने दुनिया देखी, चिंगारी के बगैर ना आग नहीं लगती। तुम तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रहे हो, क्या पता अलीजे ने वहां खुद उस लड़के को बुलाया हो और राहिल बेचारे को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। वो फूल और केक बगैर नाम के भिजवाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। वकील साहब, वो अलीजे पे क्यों बोहतान लगा रहा है? अब कसूर उसके बेटे का है, वो अलीजे को परेशान कर रहा था और उसका ताल्लुक मेरी बेटी से जोड़ रहा है। रफीक साहब, इन मुकदमात में ऐसे मराहल का तो सामना करना पड़ता है। वकील साहब, अलीजे मासूम है, उसके किरदार पे कीचड़ उछाला जा रहा है। मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ। उनका वकील हकाइक को गलत रंग दे रहा है और अदालत को गुमराह कर रहे हैं। मुझे तो इस बात का भी अंदाजा है कि एक बाप होने के नाते आप कितनी तकलीफ में हैं। बहरहाल आपको सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। राहिल की आज भी जमानत नहीं हुई और उस पर ये नया मसला। कत्ल के मुकदमे में इतनी आसान नहीं है जमानत होना, और अब तो जुर्म भी साबित हो गया है। हम कोशिश करेंगे, नहीं तो हाई कोर्ट में अपील कर देंगे। अच्छा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। हेलो। तो ये कैसे लगेगा तुमको? ये मेरे लिए?
हाँ, अरे वाह, कितनी भाई लग रही, बहुत सूट कर रहा। शामीर, 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 शामीर कहाँ है आप? रानिया मिर्जा, शामीर, क्या हुआ, क्या हुआ? शामीर, शामीर कहाँ है? मिर्जा, शामीर अभी इस दुनिया में नहीं, वो हम सबको छोड़कर चला गया। सईदा, मेरा नेकलेस कहाँ गया? शामीर ने मुझे अभी नेकलेस पहनाया था, कहाँ है वो? अभी यही थे, यही थे, कहाँ गए हैं? तुम्हें बता रही हूँ ना, शामीर हम सबको छोड़ कर रानिया के पास चला गया। छोड़ कर चला गया? हाँ, अभी अभी यही थे। शामीर, रानिया बेटा, शामीर कहाँ है? तुम यहाँ बैठो, तुम बैठो आराम से, तुमने ख्वाब देखा है, तुम घबरा गई हो, आराम से बैठो। अम्मा यही है शामीर, आप बुला क्यों नहीं रहे? कहाँ है शामीर? बुलाओ उनको, मुझे आगे दे, शामीर कहाँ है? शामीर, शामीर, अरे 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 रानिया बेटा, ये केस तुम्हें हर कीमत पर हारना है। मेरी पूरी कोशिश होगी सर, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज का क्या करना है? आइंदा ये जिक्र नहीं होना चाहिए। लेकिन सर वो सीसीटीवी फुटेज इस केस का मजबूत एविडेंस है, ऐसे कैसे हो सकता है कि इसका जिक्र ना हो? तुम अपनी जुबान बंद रखना, मजबूत एविडेंस को जिराह के बोझ तले कैसे दबाना है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है, अब तक आप जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है। इंशाल्लाह आगे भी वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। Thank you. I love it. मैं क्या चाहता हूं ये तुम नहीं जानते, इसके लिए तो बचा फैसले का इंतजार करना होगा। रानिया कैसी है? शदीद मेंटल स्ट्रेस में है, मेरे ख्याल से दुख बहुत बड़ा है, उनको ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसी सूरत में डिप्रेशन में भी जा सकती हूँ। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए? बस मैंने जो मेडिसिंस दी हैं आप वो देते रहिएगा, और आप रानिया को प्लीज़ अकेला नहीं छोड़िएगा, क्योंकि वो ऐसी सूरत में अपने आप को नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। आप फिक्र मत करें, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। चलिए मैं चलती हूँ। नहीं, मैं पूछूंगी। अम्मी ये ले आपकी चाय और आपकी दवा भी लेकर आई हूँ। बेटा दवा से क्या होगा? अम्मी कल से तबीयत खराब है आपकी, दवा नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगी? मर तो नहीं जाती ना मैं। कैसी बातें कर रही हैं आप, खुदा ना करे कि आपको कुछ हो। पता नहीं मेरा राहिल किस हाल में होगा, मैंने तुम्हारे अबू से कहा था उसे मिलवा के ले आए, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी।
राहिल भाई आपको इस हालत में देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे वो। पता नहीं वो खुद कितना परेशान होगा वहां। बेटा किसका फोन था? पता नहीं, किसी अननोन नंबर से फोन आ रहे हैं। सबके सामने कहाँ पता चलेगा? अकेले में बात होगी तो तारुफ होगा ना। भाभी क्यों, तुम्हें तो इस तरह के फोन आते रहते हैं ना, कभी दिन में कभी रात में, अभी तक पता नहीं चला कौन है जो तुम्हें कॉल कर रहा है? शेरीना क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे क्या पूछ रही, अपनी बेटी से पूछे? बताओ पप्पो को मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? बेटा शेरीना क्या कह रही है? अम्मी मुझे एक दो हफ्ते से किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा है, लेकिन मैं नहीं जानती कि कौन कॉल कर रहा है। बस बस बेवकूफ किसी और को बनाना, समझी? आप खुद सोचिए, चंद दिन पहले इसकी वजह से एक लड़का कत्ल हो गया, मेरा शौहर इस वक्त जेल में है, और ये यहाँ मासूम बनी कह रही है कि इसने कुछ नहीं किया, इसे कुछ नहीं पता, और हम इसकी बात का यकीन कर लें? मैं तो नहीं कर सकती, ये जिस तरह भाग के जा रही मैं आपको बता रही हूँ। ये फोन इसको कुछ अजीब किस्म के लोग कर रहे हैं, उसको पता है कौन कर रहा है, हमसे छुपा रही है, इसी की वजह से राहिल भी इसी की वजह से गया है जेल, मुझे यकीन है इस बात का। आप लोग माने ना माने, आप सबके सामने आएगा एक दिन, आपको सब पता चल जाएगा। तुम्हें पता है वो कौन है? तबरेज वो अलीजे का भाई है। क्या अलीजे शामिल को जानती थी? तबरेज बाबा खाना लग गया है, खाना खा। अब चले मैं आता हूँ। आ जाए मेरा। इन्हीं सारे सवालात का जवाब देने के लिए तो आया हूँ मैं। कहाँ कहाँ हो तुम? बिल्कुल सामने। पहली बार मुझे कोचिंग सेंटर में मिला था, लेकिन उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कोचिंग सेंटर से? नहीं, ये जरूर किसी और की शरारत होगी, वरना रॉन्ग कॉल्स आना बंद हो जाती। रानिया को खाना खिलाया? सो रही है। लगता है जिंदगी रुक सी गई। रानिया की ये हालत शमीर का चले जाना सब कैसे ठीक होगा? ठीक हो जाएगा शुभ्रा, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, बड़े से बड़ा गम भुला देता है। क्या है
के दर्द को आप नहीं समझ सकते। मैं जवान बच्चा हूँ सच्ची, मैं बद्दुआ देती हूँ उस लड़की को, उसके पूरे खानदान को। खून के आंसू रोए वो सारी जिंदगी। अम्मी उस लड़की को क्यों बदवा दे रही है? भाई का कत्ल तो राहिल ने किया है ना, उस लड़की का क्या कसूर? कसूर है तबरेज, कसूर तो उसी लड़की का है। उसने ही शामीर को मिलने के लिए बुलाया था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? सच कह रहा हूं, इस लड़की ने पहले शामीर से दोस्ती की, उसे अपने चाल में फंसाया और फिर मौका मिलते ही उसकी जान ले ली। माफ नहीं कर सकता हूं इन्हें मैं कभी भी, ना इस लड़की को और ना ही इसके भाई को। सबको सजा होनी चाहिए, किसी को नहीं बचना चाहिए, और फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ये माँ के दिल का दर्द कोई नहीं महसूस कर सकता। अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा उन पर, अल्लाह का अजाब। मेरा जामी।